कांग्रेस के लिए कर्नाटक चुनाव में जीत बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है, लेकिन इस जीत के साथ ही कांग्रेस को एक बहुत बड़ी टेंशन भी मिल चुकी है। इस टेंशन का नाम है डीके और सिद्धरमैया। डीके जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, तो वहीं सिद्धरमैया पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने भले ही बगावत की हो लेकिन कांग्रेस ने हमेशा सिद्धरमैया को आगे रखा है। चुनाव के दौरान भी डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया साथ साथ दिखे। अब सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला होना बाकी है। दोनों ने ही अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर दी है। यहाँ दोनों में कोई भी सीएम बने तो इसका असर पूरे विधायक दल पर पड़ेगा और कुछ ना कुछ राजस्थान जैसा हाल भी हो जाएगा। साल 2018 में कांग्रेस ने जब राजस्थान में अपनी सरकार बनाई थी तो दो उम्मीदवारों में एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट थे। अशोक गहलोत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उस समय वह ACC के जनरल सेक्रेटरी थे। वहीं सचिन पायलट उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर काबिज थे। वैसा ही हाल कर्नाटक में है। सिद्धरमैया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, साथ के साथ डीके शिवकुमार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में देखा जाना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी से यह पता चला है कि 2 साल के लिए सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उसके बाद 3 साल के लिए डीके मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं फिलहाल डीके को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन यहाँ सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। साल 2020 में भी सचिन पायलट बगावत करके 19 विधायकों समेत मानसर जा बैठे थे, उसका असर आज भी है। वही करवाहट जारी है। सरकार को राजस्थान में 4.5 साल हो चुके हैं, मगर जो हालात बनते जा रहे हैं उससे देखा जा रहा है कि कांग्रेस का राजस्थान में भविष्य सही नहीं है। पायलट पूरी तरीके से खिलाफत में है। ऐसे में अगर कर्नाटक में कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया गया तो शायद यहाँ राजस्थान जैसा ही हाल हो जाएगा। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।